सरकार में बेगूसराय में केंद्रीय राज्य मंत्री एसएस अहलुवालिया ने एक दलित के घर खाना खाया। इन दिनों बीजेपी नेताओं का दलितों के घर जाकर भोजन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक दायरा उत्तर प्रदेश तक सिमटा था, लेकिन अब बिहार के बेगूसराय से भी दलित के घर भोजन की खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री एसएस अहलुवालिया ने एक दलित के घर सब्जी, चावल, दाल और पापड़ का जायका लिया है। हालांकि ये विवाद, इस पूरे मामले को लेकर भी विवाद हुआ है, जब ये पता चला कि खाना दलित के नहीं बल्कि एक हलवाई ने बनाया था। महंगा चावल, हाई क्वालिटी की दाल और सब्जियां बाहर से बनकर आई, सिर्फ आंगन और घर दलित का था और आसपास जो खाना खा रहे थे वो लोग पिछड़ी जाति के थे। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से दिखावा ये दलितों के घर पर भोजन करने का, और इस दलित भोज के नाम पर ड्रामा होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। बीजेपी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एसएस अहलुवालिया, ये पहुंचे थे एक दलित के घर पर भोजन करने के लिए, लेकिन जो खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आ रही है बात कि जो खाना बनकर आया था वो दलित ने नहीं बनाया था, वो खाना किसी हलवाई ने बनाया था और अच्छी क्वालिटी का दाल, चावल, तमाम चीजें थी। सिर्फ आसपास बैठे हुए लोग जो थे वो दलित समाज के थे, घर दलित का था लेकिन खाना कहीं और से बनकर आया था। दादा खाना है, तेल खाने, कल खैल खाने, पिल खाने, बनल भात, दाल, सब्जी अलग से। हमें गरीब लोग कहाँ से खाइल देवे, कने हमें जब रात के ढूरे खैल खाने के खाइल देवे, हमरा के नहीं है रुपा पैसा खाइल देवे ककरो। आयल खानी तब शौचालय बाल बोल की तो शौचालय में कहाँ से बनेबे, अपन ओकर उपाय देतीन, बनाए देतीन, अपन कारथनी जगह देती तब तो शौचालय होते, जगह छे नहीं तो कहाँ शौचालय हमे बनेबे। एस एस अहलुवालिया जी मंत्री हैं भारत सरकार के, वो जो आए थे, एक तो उनको यहाँ आना था 2 बजे में और वो आए 7 बजे में, और दूसरी बात उनको रुकना था महादलित के घर में, और महादलित के घर में नहीं रुक करके बाहर से टेंट और सबियाना मंगवाया गया, 80 रुपया के चावल उनके लिए भोजन बनवाया गया, और ये जो काम लोग कर। और खबर पर आरजेडी के नेता विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। विवेक जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी के जो नेता हैं इन दिनों उनमें होड़ मची हुई है कि दलितों के घर पर जाकर खाना खाना है, दलित वोट बटोरने हैं। इसी क्रम में एसएस अहलुवालिया बेगूसराय पहुंचे, वहां पर एक दलित के घर पर उन्होंने खाना खाया, लेकिन खबरें निकलकर सामने ये आ रही हैं कि खाना दलित के घर पर नहीं बना था, खाना कहीं और से बनकर आया था, हाई क्वालिटी की चीजें यूज की गई थी, किसी और हलवाई ने खाना बनाया था। आपका क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पर? तो लगता है हमारा संपर्क हो नहीं पाया आरजेडी नेता से, लेकिन कह सकते हैं हम ये कि पूरा पूरा मामला जो है वो सिर्फ दिखावा बन के अब रह गया है, वोट बैंक जिसे कह सकते हैं कि दलित अब बन गए हैं नेताओं के लिए। और बीजेपी नेताओं में इनका इन दिनों खासकर होड़ मची हुई है, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, और उत्तर प्रदेश से होता हुआ सिलसिला पड़ोसी राज्य बिहार भी पहुंच गया, और बिहार में भी, बिहार के बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एसएस अहलुवालिया, और दलित भोज के नाम पर यहाँ पर ड्रामा होता हुआ नजर आया है। एक बार फिर से आरजेडी के नेता विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं में इन दिनों होड़ मची हुई है दलित के घर पर भोज को लेकर, बेगूसराय पहुंचे एसएस अहलुवालिया, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि खाना दलित के घर पर नहीं बना था, खाना बाहर से मिलकर बनकर आया था, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पर? खाना जो है जिस भोजन को उन्होंने सारे मीडिया वालों ने दिखाया कि दलित के घर पे बैठ के वो एसएस अहलुवालिया साहब भोजन कर रहे हैं, वो मोटल सोनारा से आया हुआ है और सुबह का, उसके बाद फिर कुछ सब्जी जो था वो युवराज होटल से आया कि जो कि पूरे बेगूसराय का नहीं बिहार का तीसरे नंबर का होटल है, ठीक है, उससे आकर के खाना खाते हैं ये लोग। सिर्फ दिखावती का काम दिखावती है कि बैठ गए दलित के बगल में और खाना वहां से ला करके खाए। जो आदमी जिस पार्टी का मानसिकता ही है कि अगर दलित उनके घर पे जाता है तो गंगा जल से पूरे घर को साफ करवाते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पीएम हाउस को गंगा जल से साफ करवाया, आज दलित का वोट लेने के लिए वो, उनको पता है कि मस्त वोट है दलित का, तो एक से एक रोज रोज नए नए तिक्रम लगा रहे हैं, कभी वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, कभी उनके घर में जाकर सहानुभूति वोट बटोरते हैं ये। परंतु जनता जो है या जितने भी दलित भाई हैं उन सबको पता है ये लोग सिर्फ राजनीति के, वोट की राजनीति के कारण उनके पास आ रहे हैं। विवेक जी, दलितों के नाम पर कोई ये पहली बार नहीं है, हमेशा से दलितों के नाम पर राजनीति ही होती आई है, कभी भी दलितों को उनका जो हक है वो मिल नहीं पाया है। तो कह सकते हैं बीजेपी एक बार फिर से चुनाव से पहले 2019 की तैयारी में है, और चुनाव से पहले एक बार फिर से दलित वोटों को जो अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है।
बिल्कुल वही बात है, 2019 में चुनाव है, 2019 में लोकसभा का चुनाव है और मोदी जी का सिर्फ यही है कि किसी तरह से जितने भी आप, ये दलित की नहीं आप बात कर सकते हैं, चाहे आप ले लीजिए SC ST का, ये जो 2 तारीख को जो SC ST का आंदोलन हुआ था, इसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने किसी तरह से इनका यही गुटबाजी इनके करने का सिर्फ यही रीजन था। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पहले इन्होंने उसके ऊपर लगवाया और उसके बाद फिर रामविलास जी से केंद्रीय मंत्री जो सब दिन दलितों से मसीहा अपने आप को खाते हैं उनके थ्रू एक पिटीशन दायर करवा दिया कि चलो भाई हम दलित का रहनुमा है और उनके साथ इनका गठबंधन है और आज जा करके यही बिहार की, मैं बेगूसराय की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में जहाँ भी दलित मत वोटर है सब जगह ये लोग जा करके उनके घर से खाना खाते हैं, उनके घर में शादी में शरीक होते हैं और घर में ओरिजिनल में खाना। बिल्कुल विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो RJD नेता है विवेक कुमार, इनका कहना है कि बीजेपी दलितों के नाम पर राजनीति करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक रामानंद राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानंद जी, ये बताइए कि जो सिलसिला चल पड़ा है इन दिनों दलितों के घर पर खाना खाने का, वाकई में दलितों की चिंता है या राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग दलितों के नाम पर? तो सवाल सुनकर फोन काट दिया, अक्सर ऐसे जब मामले होते हैं इन पर फोन काट ही दिए जाते हैं। देखते हैं कि क्या पता बात करें हमसे रामानंद राम जो है, एक बार फिर से उनसे कोशिश करेंगे जुड़ने की। तब तक आपको बता दें कि आपने देखा हलवाई ने बनाया है, मैं किसके यहाँ खाया है? आप बिना देखे कौवा कान ले गया, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, है? हमने वहाँ भोजन किया, मैं वहाँ था और वहाँ बारिश होने के बाद ही निकला। तो ये जो पूरा मामला है SS अहलूवालिया को अभी आपने सुना, उनका क्या कहना था? उनका ये कहना है कि पहले पूरा मामला देखा जाए और उसके बाद से इस पूरे मामले पर जो है वो कहा जाए। साफ तौर पर उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है और पहले मामले की जानकारी हो और उसके बाद से चीज़ों को सोच समझ कर मामले में बात की जाए।